नागपूर शहरातील रस्त्यांवरच्या खड्ड्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी सिटीजन्स फोरमने अनेक नवीन आंदोलन केलेले आहे। फोरमच्या कार्यकर्त्यांनी शहरातील खड्ड्यांना महानगरपालिकेतील पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांची नावे दिली आहेत। मानस चौक व सदर येथील माउंट रोड परिसरात हे लक्षवेधी आंदोलन करण्यात आले। मानस चौक येथील खड्ड्याला नागपूरचे प्रथम नागरिक महापौर दयाशंकर तिवारी यांचे नाव देण्यात आले, तर लोहा पूल परिसरातील खड्ड्यांना स्थायी समितीचे सभापती प्रकाश भोयर, विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे व सत्ता पक्षनेते अविनाश ठाकरे यांचे नावे देण्यात आली, तर माउंट रोड सदर येथील खड्ड्यांचे नामकरण मनपा आयुक्त यांचे नाव करण्यात आलेले आहे। लगातार पिछले एक से डेढ़ महीने से नागपुर सिटीजन फोरम की संपूर्ण टीम उंगली दिखाओ आवाज उठाओ की मुहिम के अंतर्गत संपूर्ण शहर के गड्ढों को बताने का प्रयास कर रही है। नागपुर महानगर पालिका को नींद से जगाने का प्रयास कर रही है। जनप्रतिनिधियों को जो उनका दायित्व है उनके क्षेत्र का, चाहे वो नगर सेवक हो, आमदार हो, मंत्री महोदय हो, उन्हें हम बताने का बार बार प्रयास कर रहे हैं कि शहर में असंख्य गड्ढे हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई विधानसभा नहीं जहाँ पे गड्ढे मौजूद नहीं है। और इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं जहाँ पर आवागमन में बहुत सारी तकलीफें होती हैं नागरिकों को। रोज़ गाड़ी स्किड करती है, एक्सीडेंट्स होते हैं और इस हादसे में बहुत सारे लोग जख्मी भी होते हैं और कई बार लोगों की जान भी जाती है। तो इसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? नागपुर महानगर पालिका को, महापौर जी को, केंद्रीय मंत्री को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को? मेरा यह सिर्फ और सिर्फ आदरणीय जो हमारे यहाँ के सांसद हैं उनसे यह रिक्वेस्ट है कि आप जो कार्यक्रम में आपने कहा कि नागपुर शहर में गड्ढे नहीं है, मैं या तो यह कहना चाहता हूँ कि महापौर जी ने आपको गुमराह किया या फिर अधिकारियों ने आपको गलत जानकारी दी। आप संपूर्ण नागपुर शहर में अपना दौरा रखिए, ऐसा कोई इलाका नहीं जहाँ पर आपको गडकरी साहब गड्ढा नहीं मिलेगा। और मेरा यह आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट है कि आप शहर में संपूर्ण देश में एक विकास पुरुष के नाम पे जाने जाते हैं, लेकिन जमीनी वास्तविकता कुछ उसके पड़े है। शहर में असंख्य गड्ढे गडकरी साहब मौजूद हैं और आपकी मनपा प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है और महापौर जी सिर्फ और सिर्फ मीठी मीठी बातें और कागजी घोषणाएं करने में व्यस्त है। मैं उन सभी राजनीतिक दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को भी यह आह्वान करना चाहता हूँ कि आप इस बात को लेके हमेशा आप कॉन्फ्लिक्ट करते हैं कि ये रोड NMC का है, ये रोड PWD का है, ये इसके अंतर्गत आता है, लेकिन जब नागपुर वासी के पास आप जाते हैं तब आप नगर सेवक के लिए भी वोट मांगते हैं, आमदार के लिए भी वोट मांगते हैं, खासदार के लिए वोट मांगते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है नगर सेवक की कि आप आमदार महोदय को बोले कि ये PWD के अंतर्गत आता है तो रोड बनाया जाए। नगर सेवक की जिम्मेदारी है कि अगर आपके अंडरटेकिंग में आता है तो आप अपने डिपार्टमेंट के लोगों को बोले कि तत्काल वो गड्ढे को भरा जाए। नागपुर सिटीजन फोरम अपने दायित्व को निभाने का हर संभव प्रयास करेगी। हर जोन में जाकर, हर क्षेत्र में जाकर तीव्र आंदोलन करना पड़ेगा, लेकिन लोगों के हितों के लिए, लोगों के सुरक्षा के लिए हम हर संभव निरंतर प्रयास करेंगे। और सभी राजनीतिक दल, उनके नुमाइंदे, जनप्रतिनिधि से निवेदन है, कृपया कर जमीनी स्तर के वास्तविकता को देखें, सिर्फ और सिर्फ चुनावी वादे घोषणाएं मत करें। अपने मीटिंग से इतर होकर, मीटिंग से समय निकालकर, चुनावी रणनीति से समय निकालकर जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, जो निरंतर नागपुर वासियों को तकलीफ हो रही है, उसके समाधान के लिए थोड़ा बहुत प्रयास करें ईमानदारी से, क्योंकि आज आप जो पद पर विराजमान है वो नागपुर वासी के मेहनत, उनके मेहरबानी से। आने वाले दिनों में शहर के, संपूर्ण शहर के गड्ढों को भरने का काम नागपुर महानगर पालिका अगर नहीं करेगी, हम इसी प्रकार अनेक निषेध कार्यक्रम बोल सकते हैं, श्रद्धांजलि कार्यक्रम बोल सकते हैं और आने वाले दिनों में तीव्र आंदोलन भी करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।